Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें Unacademy पे follow कर सकते हैं. Hello, good morning. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के number one study channel Wi-Fi Study में. तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है जिसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चाहे वो नेशनली हो इंटरनेशनली हो या फिर रीजनल हो डजंट मैटर एट ऑल आपका इंडिया में या फिर आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा की तरह आज भी यही करने वाले हैं द हिंदू से लेकर जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर उन सभी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर अप करेंगे लेकिन उससे पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा की तरह मैं आपको देता हूं उनको डिस्कस करेंगे. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दोस्तों यह है कि 1 दिसंबर को वाईफाई सेटिंग आ रही है पटना के अंदर. तो जो भी वाईफाई स्टडी के पटना के स्टूडेंट है उन सभी से वाईफाई स्टडी टीम मिलेगी और अगर आप पटना या आसपास के एरिया में रहते हैं तो वाईफाई स्टडी टीम से मिलने आ सकते हैं. ठीक है, काफी टाइम हो गया है पटना के जो अपने बिहार के स्टूडेंट हैं वो काफी टाइम से बुला रहे थे. यूपी के अंदर ऑलमोस्ट अपना एक बार लखनऊ जा चुके हैं अपन दिल्ली में जा चुके हैं और अभी अपन पटना में आ रहे हैं. तो जितने भी आपके दोस्त हैं और जो वाईफाई स्टडी से पढ़ते हैं उनको जरूर बुलाइएगा. चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह सबसे पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ. पहला आपका क्वेश्चन था सी के जाफर शरीफ का निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित थे. तो किस क्षेत्र से संबंधित थे ये मैंने आपसे पूछा था तो ये पॉलिटिक्स से संबंधित थे तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है. इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मैं आपको थर्सडे को सुबह 8 बजे ठीक है थर्सडे को सुबह 8 बजे आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि उस टाइम पे एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 हजार बच्चे जो है वो लाइव होने चाहिए. तो जितना हो सके ठीक है अपने जो स्टूडेंट है जो अपने भाई है जो अपनी फैमिली सबको शेयर करिएगा कि किस पैरामीटर्स के ऊपर किसी को वोट देना चाहिए. ठीक है, किसको वोट दें, क्यों वोट दें, कैसे वोट दें, सारी चीजें के बारे में डिस्कशन जो है अपन और वो सिर्फ और सिर्फ एक समझदार सिटीजन किस तरीके से अपना वोट को एक बेशकीमती वोट को किस तरीके से किसी सही पर्सन को दे सकता है इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे. ठीक है ना, तो अपना वोट जो है वो किसको जाना चाहिए ये अपन डिस्कस करेंगे. तो सुबह 8 बजे थर्सडे को, थर्सडे का भाई परसों है ना, तो परसों सुबह 8 बजे तो जितना हो सके परसों के दिन सुबह शेयर करेगा और अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपने को वोट की जो पावर है उसको सही तरीके से यूज करना चाहिए. चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना उबर ईट्स के भारत के ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है. तो उबर ईट्स की कौन अपॉइंट करी गई है, अभी आलिया भट्ट को किया गया है, तो आपका सी सही आंसर है. नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने घोषणा की थी कि अभी आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप का नाम बदल के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कर दिया गया है. उसके सीईओ कौन है, आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर और सीईओ है डेविड रिचर्डसन, तो आपका बी यहां पे बिल्कुल सही आंसर था. और साथ में यहां पे पूछा गया था कि फ्लाइट कौन सी फ्लाइट है जिसका AAI ने कैंसिल कर दिया है उड़ान लाइसेंस और ये कौन सा है, यह एयर उड़ीसा. नेक्स्ट था किस राज्य ने भूतर और भूसेवा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ऐसा करने वाला कौन सा था, ठीक है आपको बताना था जो कि कौन सा था, आंध्र प्रदेश था है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट यहां पे पूछा गया था कि यूथ एडवोकेट कौन बनाया गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन और साथ में यूनिसेफ की स्पोर्ट्स एम्बेसडर हिमा दास जी, तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यूनिसेफ अगर कुछ अपॉइंटमेंट करता है तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना. चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट है अपने सिद्धार्थ रथ को डैश के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस यानी कि बी आपका सही आंसर है. ठीक है, तो एक इंडियन है जिनको स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस के अपॉइंट किया गया इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है. आगे डेनमार्क स्थित ग्रैंड फोर्स कंपनी 2020 तक डैश में अपनी तीसरी पंप उत्पादन इकाई स्थापित करने की घोषणा बना चुकी है, तो कहां पे कर रही है, चेन्नई के अंदर है जो कि ये कंपनी अपना थर्ड पंप प्रोडक्शन यूनिट जो है वो सेटअप कर रही है. नेक्स्ट है यूनियन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन लंग
हेल्थ विल बी होस्टेड बाय, कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट था द सीएम ऑफ दिस स्टेट लॉन्च है नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान, तो इसको अपन कई बार कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर है। और साथ में देखते हैं आज का कोट ऑफ द डे। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, डू और डू नॉट, देयर इज नो ट्राई इन दिस वर्ल्ड। आज के टाइम में दोस्तों वो जमाना नहीं है, टाइम है यार, लाइफ इतनी व्यस्त हो चुकी है और इतनी ज्यादा अपने को इतने सारे काम होते हैं करने को कि देयर इज नो ट्राई इन दिस वर्ल्ड। या तो आप करो या आप मत करो, सिंपल सा लॉजिक है, जो आपको करना है करो, डजंट मैटर, लेकिन या तो आप उसको पूरा करो, करने पे अपना पूरी जी जान, पूरा का पूरा अपना एनर्जी जो आपके पास में 100 यूनिट है वो पूरी की पूरी लगा दो उसके अंदर, या फिर बिल्कुल भी ट्राई मत करो। सिंपल सी बात है, अगर आपको नहीं करना है तो डोंट गिव अ ट्राई टू इट, अगर छोड़ो उसको, लिव इट। आपके पास बहुत सारी चीजें लाइफ में करने को, बहुत सारा आपके पास टैलेंट है, बस पता करके उसको एग्जीक्यूट करने की देरी होती है, ठीक है ना। तो कभी भी ये मत सोचा करो चलो ठीक है यार ये एग्जाम आ रहा है इसको मैं ट्राई कर लेता हूं, क्या पता निकल जाए। क्या पता बोलने से कभी भी कोई भी एग्जाम या जीवन में कोई काम ये कभी भी नहीं होंगे दोस्तों, ये बात मान के चलो, ठीक है। तो हमेशा अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको अपना टाइम दो, उसको अपनी एनर्जी दो और पूरी तरीके से उसके ऊपर फोर्स लगाओ ताकि आप वो काम कर सके। अगर आप ऐसे ट्राई करते रहेंगे तो लाइफ इज टू शॉर्ट मैन, लाइफ बहुत छोटी है ट्राई करने को, हर चीज ट्राई करने को, है ना। जो भी करना है करो और अच्छे से करो यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया हुआ और आप इसको लाइफ में थोड़ा सा इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा लाइफ में। थोड़ा सा इंप्लीमेंट नहीं करना है, पूरा इंप्लीमेंट करना है, देयर इज नो ट्राई, ठीक है ना। या तो करना है इंप्लीमेंट या नहीं करना है, और करोगे तो सिंपल सी बात है लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू के फर्स्ट पेज से। फर्स्ट पेज पे करतारपुर जो कॉरिडोर है उसका इनॉग्रेशन किया गया, यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया वेंकैया नायडू जी के द्वारा। लेकिन जैसे ये हुआ उसके बाद में वापस से दोनों टॉम एंड जेरी जो है वो आपस में लड़ने लग गए। टॉम एंड जेरी का मतलब है बीजेपी कांग्रेस, और क्योंकि यहाँ पे बादल जी को ने बोल दिया पूरा क्रेडिट है वो पीएम को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। बाकी लोग बोल रहे हैं कि बादल ने तो कुछ किया ही नहीं है, तो हमारा इनिशिएटेड, हमने इनिशिएट किया था, इसका तो क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो गई इस चीज को लेकर कि किसका ये प्रोजेक्ट है एक्चुअली के अंदर, ठीक है। फिर बीच में से कांग्रेस है, उन्होंने बोला ये तो मनमोहन जी ने, हमने सबसे पहले उनको बोला था पाकिस्तान को, उस टाइम पे उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया लेकिन हमने इनिशिएट किया था। तो ऐसे करके ये उस टाइम पे बात हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद में बात करें यहाँ पे और क्या है, तो यहाँ पे तो ये 26/11 जो है वो पाकिस्तान के अंदर अभी भी हाफिज सईद और ये सब घूम रहे हैं, ये इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है, साथ में यूएस ने भी ये स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि उस वाले 26/11 अटैक में 6 यूएस के सिटीजन भी थे जो कि उस टाइम पे उनकी भी डेथ हो गई थी, 6 यूएस सिटीजन भी थे। और आपको पता है कि इंडिया में अगर मैं सच में रियलिटी में बात करूं तो अगर एक विदेशी जो है ना, एक विदेशी नागरिक की जो जान है वो अपने 100 इंडियन से भी ज्यादा मानी जाती है, समझ रहे हो। तो क्योंकि ऑब्वियस बात है, और बाहर के कंट्रीज प्रायोरिटीज भी बहुत देते हैं, अपने इंडिया में तो मतलब जब तक 20-50 लोग के होता नहीं जब तक तो कोई इग्नोर वही नहीं करते उसके ऊपर, इंक्वायरी नहीं होती उसके ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक अपने जवान है जो कि शहीद हो गए, तो उनको एक आर्मी पर्सनल है जो कि उनके फादर को सांत्वना दे रहे हैं। इसके अलावा ये देख सकते हो आप कि आसाम के 3 मिडिल एज मैन है, मिडिल एज का मतलब होता है कि जब आप 35 से 50 के बीच में समवेयर होते हो तो मिडिल एज पर्सन है, तो उन्होंने आयरन मैन कंप्लीट करी है, हाफ आयरन मैन, हाफ आयरन मैन को बोलते हैं अपन, आयरन मैन 70.3, ठीक है। तो इनका जुनून के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से फिटनेस को लेके इनका जुनून था, और इन्होंने हाफ आयरन मैन जो है, यानी कि आयरन मैन का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 4 किलोमीटर की स्विमिंग और 180 किलोमीटर की बाइसिकल और साथ में 42 किलोमीटर की रनिंग, ये सारे के सारे 17 घंटे के अंदर कंप्लीट करने होते हैं, 17 घंटे के अंदर कंप्लीट करने होता है ये सब। हाफ आयरन मैन के अंदर ये सारे क्राइटेरिया क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, तो वो इन्होंने कंप्लीट करी है, ठीक है। इसके अलावा बात करें, फॉर्मर पीएम ने एडवाइस दिए अभी प्रेजेंट पीएम को कि वो लैंग्वेजेस को लेकर एक्सरसाइज करें, रिस्ट्रेन ना करें। इसके अलावा यहाँ पे पेपर बाउंड्री से बात करें तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको प्रॉब्लम हो रही हो, जो कि अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। आगे चलते हैं दोस्तों पेज नंबर 3 की बात करते हैं, और एक दो बच्चे बोल रहे हैं साउंड को लेकर, तो दोस्तों साउंड बिल्कुल टकाटक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है साउंड के अंदर, है ना, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पे पेज नंबर 3 की बात करें तो पेज नंबर 3 पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो जानते हैं हम उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के अंदर एक पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम है जो कि लॉन्च किया गया है। आपको पता है कि अपने इन्वायरमेंट को आजकल गाड़ियों से बहुत नुकसान तो हो रहा है, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी स्टेट के अंदर, इंडियन स्टेट के अंदर एटलीस्ट, कि वहां पे साइकिल को ज्यादा प्रमोट किया जाए। तो एक मो साइकिल नाम से एक स्कीम लॉन्च करी गई है, मो, एम ओ,
ठीक है, वो साइकिल नाम से स्कीम लॉन्च करेगी, जिसके अंदर क्या है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने साइकिल बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम है, एक तरीके से पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम, ताकि ट्रैफिक कम लगे, एनवायरमेंट को फायदा पहुंचे, स्पेस लोगों को मिले, एयर क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो। तो ये भुवनेश्वर के अंदर किया गया है, हर जगह के ऊपर सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पे आप अपने जीपीएस के थ्रू और अपने जो क्यूआर कोड होता है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, एक जगह से साइकिल लो दूसरी जगह जाके छोड़ दो। तो इस तरीके का पूरा सिस्टम है जो कि यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है ना। तो वो साइकिल डाउनलोड करके एप्लीकेशन वो ये काम कर सकते हैं, तो उड़ीसा के अंदर इसको किया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे एमओ वो साइकिल जो ये सिस्टम है ये कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च बनाया गया है या फिर लॉन्च किया गया है, तो नवीन पटनायक आपको ध्यान रखना है, जो कि उड़ीसा के हैं और गणेशी लाल आपको बताइए यहाँ पे गवर्नर है। चलते आगे पेज नंबर 5 की तरफ, पेज नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि मैरीकॉम, ठीक है। मैरीकॉम की बात करें दोस्तों तो आपको बताइए बीएसएल की ब्रांड एम्बेसडर है, इसीलिए बीएसएनएल ने क्या किया, इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, जो उनकी सक्सेस है, अनबीटेबल परफॉर्मेंस इन्होंने दी है उसको लेकर। तो पेपर में पूछते हैं कि बताइए ब्रांड एम्बेसडर को लेकर सवाल आते हैं आपके, यूपीएससी में नहीं आते, लेकिन यूपीएससी के अलावा जो बाकी पेपर है ना आपके, जैसे कोई रेलवेज का हो गया, बैंकिंग का हो गया, और भी कई सारे पेपर है जिनके अंदर ब्रांड एम्बेसडर को लेकर पूछते रहते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये बीएसएल की ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए आगे चलते हैं पेज नंबर 6 की तरफ, पेज नंबर 6 की बात करें तो यहां पे एक छोटी सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये देखते हैं क्या है। देखिए नागालैंड के जो सीएम है उन्होंने टूरिस्ट पुलिस लॉन्च करी है। आपको पता है कि एक्चुअली में नागालैंड और मणिपुर यहां पे थोड़ा जाने से जो टूरिस्ट है ना वो थोड़ा सा कतराते हैं, मतलब इट इज ओके टू गो टू द असम, इफ यू वांट टू गो टू द नॉर्थ ईस्ट असम जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, असम से आप अरुणाचल प्रदेश जा सकते हैं घूमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, असम से आप मेघालय जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मिजोरम भी जा सकते हैं, मिजोरम भी बिल्कुल ठीक है, बहुत सेफ है, लेकिन जब हम यहाँ पे दो राज्य की बात करते हैं, त्रिपुरा में तो ऐसा कुछ है भी नहीं घूमने लायक या जाने लायक, तो यहाँ पे अगर जब हम दो राज्य की बात करते हैं, ये बीच वाले नागालैंड और मणिपुर, ठीक है, नागालैंड और, अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों जो राज्य ना इनमें आपस में बड़ी लड़ाइयां होती रहती है, आपस में बड़ी लड़ाई होती रहती है, थोड़ी सी एक्टिविटीज यहाँ पे, ठीक है, जो नक्सलाइट एक्टिविटीज है वो थोड़ी सी वो भी है, वॉइस एक्टिविटीज है, नक्सलाइट नहीं बोलेंगे उनको, वॉइस बोलेंगे, तो वो भी थोड़ी सी एक्टिविटीज यहाँ पे होती रहती है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है टूरिस्ट को, हालांकि लोग जाते हैं जिनको जाना होता है वो कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, एक टूरिस्ट पुलिस को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो जो भी टूरिस्ट है जिनको किसी प्रकार से सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है या फिर कोई क्राइम होता है किसी प्रकार का, तो वो क्या कर सकता है, टूरिस्ट पुलिस से कॉन्टैक्ट कर सकता है और वो उनको हाथों हाथ जो है वो उनको रेस्पॉन्स देगी और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, ठीक है। तो ये नई टूरिस्ट पुलिस के नाम से लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दो, और कश्यप जी है यहाँ पे जो कि आसाम से ही है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेज नंबर 7 की, पेज नंबर 7 की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे महादेवन जी की डेथ हुई है, वैसे इतना ज्यादा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन की, एक्चुअली क्या हुआ है, इनकी जो अपनी टूरिस्ट मिनिस्ट्री है उससे थोड़ी सी गलती हुई है, तो उसी को लेकर यहाँ पे मेंशन किया गया है, हमारे नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जानना जरूरी है, इसलिए अपन इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था दोस्तों कि अपने इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन चलाते हैं ना अपन, तो इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन चलाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी मिस्टेक हो जाती है जब अपने ट्वीट करते हैं, मिनिस्ट्री रेलवे हो चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो या फिर टूरिस्ट मिनिस्ट्री हो, तो कई बार कुछ मिस्टेक गलती से क्या कुछ गलत चीजें वो क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या किया था, कुछ टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, कुछ टाइम पहले क्या कर दिया था कि जो राइनो होते हैं ना, वन हॉर्न राइनोस जो होते हैं उसकी फोटो उन्होंने पोस्ट करी थी। अब वो एक्चुअली में वन हॉर्न राइनो की नहीं थी, वो अफ्रीकन राइनो की फोटो थी जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं, अपने आसाम वाले राइनो नहीं थे, जो कि दो सिंग के होते हैं, अपने यहाँ पे राइनो जो होते हैं वो एक सिंग वाले होते हैं, ठीक है, लेकिन जो अफ्रीकन राइनोस होते हैं वो दो सिंग वाले होते हैं, टू हॉर्न होते हैं वो, तो उसकी पोस्ट कर दी गई थी। तो लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया कि आप ये दूसरे खुद का दूसरों को मतलब बाहर का खुद को बता के आप क्यों प्रमोशन कर रहे हो। अब वैसे ही गलती यहाँ पे वापस से हुई, यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर अल्फोंस जो है उन्होंने इनक्रेडिबल इंडिया के ऊपर एक ट्वीट किया कि उन्होंने तवांग मॉनेस्ट्री के बारे में बताया, तवांग मॉनेस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो तवांग मॉनेस्ट्री आसाम के अंदर, माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, जहां पे किसी टाइम पे सबसे पहले जब तिब्बत के अंदर वॉर हुई थी उस टाइम पे वहां से वो आ गए थे, अपने दलाई लामा जो है वे इंडिया आ गए थे, तवांग मॉनेस्ट्री के अंदर रुके भी थे, उनको शरण दी गई थी पंडित नेहरू जी के द्वारा, उसी से नाराज होकर बाद में 1962 की इंडो चाइना वॉर हो गई थी, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा कि भाई तवांग मॉनेस्ट्री जो है इंडिया की लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, जो कि रिक्वेस्ट पे, पांचवें दलाई लामा के रिक्वेस्ट पे 1980 के अंदर बनाई गई थी,
लेकिन एक्चुअली 1980 में इसको नहीं बनाया गया था, बहुत पुरानी है और यहाँ पे एक पर्सन थे उस टाइम पे बहुत काफी पहले, ठीक है, 1680 के टाइम पे एक मिराग करके मॉन्ग थे, उनके द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था फोर्थ दलाई लामा के रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में फिर वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया गया पांचवें दलाई लामा के रिक्वेस्ट के ऊपर। तो थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम हो गई थी, इन्होंने थोड़ा सा, तो वो पेपर में आया और इसी वजह से कई बार क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनते रहते हैं इस चीज को लेकर, है ना। बिल्कुल, तो तवांग मनोश्री, हाँ बिल्कुल सही है, मनोहर ने कहा दलाई लामा वॉज द मेन कॉज फॉर इंडो चाइना वॉर। तो ये सब चीजें हैं जो कि अब आप एक्चुअली में तवांग मॉनेस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, है काफी फेमस है, ओके, कब बनी थी और 10,000 फीट अबव द सी लेवल है, बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर है, भूमला वुमला पास है, शैला पास है और सारे के सारे पास करके आपको पार करके जाना पहुंचना पड़ता है और इंडो चाइना बॉर्डर से मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर के समवेयर पहले ही है, ज्यादा वो नहीं है ना। तो तवांग आपको ध्यान रखना, अच्छी खासी सिटी है और वहां पे मॉनेस्ट्री भी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज की, तो यहाँ पे एक तो ये तो मैंने बताई दिया कि पॉलिटिक्स हो गई है कॉरिडोर के इवेंट के ऊपर, चलो ये तो खैर कोई बात नहीं, अपने काम की चीज नहीं है। और अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे ये न्यूज इंपॉर्टेंट है जो कि सुनील अरोरा जी की है। देखिए अभी एक्चुअली आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है, अगर मैं आपको तीन चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तीनों आपको पता होने चाहिए एंड एनी टाइम किसी भी, देखिए एज ए सिटीजन भी आपको पता होना चाहिए, डजंट मैटर एग्जाम में चलो आएगा जो आएगा ही वो तो खैर आना ही है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो ओपी रावत जी तो अभी आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, विजिलेंस कमिश्नर की बात करें तो केवी चौधरी जी है और यहां पर कृष्णा माथुर जी है, ठीक है, माथुर जी है जो कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये तीनों पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें दोस्तों आर्टिकल कौन सा है, 324 है। अभी क्या हो रहा है कि जो दिसंबर आ रहा है ना, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, जो अपने ओपी रावत जी है वो तो हो रहे हैं रिटायर और जो अभी इलेक्शन कमिश्नर है, अभी क्या है देखो, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो इलेक्शन कमिश्नर है, एक तो हो गए सुनील जी, सुनील अरोरा और एक है अशोक लवासा, ठीक है। तो अभी जो सुनील अरोरा जी है ना जो कि इलेक्शन कमिश्नर है, इनको बनाया जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 2 दिसंबर को ये लेंगे उनकी पोजीशन, तो ये स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे आया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है पेपर में, जब तक इनका ऑफिशियली जब तक ये अपॉइंट नहीं होते तब तक तो आंसर अपना ओपी रावत ही रहेगा, लेकिन उसके बाद में जब ऑफिशियल अपॉइंटमेंट हो जाएगा अपनी पोजिशन ले लेंगे, उसके बाद में फिर आपका जो भी आंसर होगा वो सुनील अरोरा ही होगा। बिल्कुल सही है, काफी बच्चों को पता है। सुधांशु जी लेट आए यार, लेट वेट बताया करो यार, अपने मोबाइल में अलार्म लगा के रखा करो 5 मिनट पहले का, ठीक है ना, 5 मिनट पहले का अलार्म लगा के रखा करो ताकि आपको पता लगे कि हाँ क्लास स्टार्ट हो गई है। और अपने व्हाट्सएप में शेयर कर दो यार क्लास के बारे में सभी बच्चों को, सब को, कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, काफी देर हो चुकी है, अभी भी काफी कुछ बचा है तो उसको भी कवर कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप और अपने जितने भी ग्रुप है उनमें शेयर कर दो। बिल्कुल सही है, एक बच्चे ने बोला 65 ईयर और 6 ईयर, ये क्या होती है रिटायरमेंट एज, टेन्योर होता है उनका, है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज की जो कि अपन यहाँ पे इसके बारे में, गवर्नमेंट वापस अपना जो फिस्कल डेफिशिएंट टारगेट है ना वो क्या कर रही है, मिस कर रही है, किसका, फाइनेंशियल ईयर 2019 का। देखिए एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि कितना आपको एक्सपेंडिचर खर्चा करना पड़ता है और कितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है, अगर पॉजिटिव में है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि ठीक है पॉजिटिव में, यानी कि आपका एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, 10 रुपए आपने खर्च करे और रेवेन्यू कमाया कितना, 7 रुपए, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, 3 रुपए का आपने लॉस हो गया क्योंकि 3 रुपए का खर्चा आपने ज्यादा लग गया। अगर यहां पे ऐसा होता कि 10 रुपए लगाते और मैं 12 रुपए मुझे मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं तो ये कंडीशन क्या होती है, बेस्ट आइडल होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली के अंदर। तो सोशलिस्ट थोड़ा सा आपको रखना पड़ता है सोसाइटी के अंदर, आपको काम करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा हमेशा ये जो है ना फाइनेंशियल डेफिशिएंट वो रहता रहता है। तो यहां पे 3 रुपए का फाइनेंशियल डेफिशिएंट है। अभी यहां पे बात करूं तो अभी टारगेट रखा था 2019 के अंदर कि अपन 3.3 फाइनेंशियल जो डेफिशिएंट है वो लेके आएंगे। देखिए दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, आपको एक बात बताता हूं, ये देखिए थोड़ा डाटा है, पीआईबी का डाटा है जो कि अपने उस टाइम पे जब अपना बजट आया था तब का है। हमें अगर देश चलाना है ना 1 साल के लिए तो नियर बाय 24 लाख 25 लाख करोड़ रुपए चाहिए होते हैं, ठीक है, 24.42 यानी कि 24-25 लाख करोड़ रुपए हमें 1 साल के लिए चाहिए होते हैं। अभी हम जो कमाते हैं वो कितना रह जाता है, 23 के आसपास रहता है, 23 और 24 के समवेयर में
और जाके अटक जाता है, तो कुल मिला के नुकसान हो जाता है हमें थोड़ा बहुत, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, फिस्कल डिफिशिएंट कहते हैं, जो कि हमने टारगेट रखा था 3.3% जो है ना, हम इसको अचीव कर देंगे, और करंटली जो पिछली बार था वो 3.5% था, तो उसको अपना टारगेट था 3.3 करने का, यानी कि घाटे को घटाने का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली है अंदर, ठीक है ना, ऐसा हुआ नहीं। टोटल एक्सपेंडिचर तो 24 लाख करोड़ ही था, फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमने 3.3% यानी कि सोचा था कि 6 लाख करोड़ के आसपास क्या हम कर देंगे, इसको ला देंगे, यानी कि यहाँ पे 23 लाख करोड़ भी नहीं, यानी कि 17-18 लाख करोड़ के आसपास ही हम क्या कर पा रहे हैं, हमारा टारगेट था कि हम इसको लेके आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3.3 जो है ना वो होता लग नहीं रहा एक्चुअली के अंदर, यहाँ पे ये बात बताया गया, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं साथ में और भी कई सारे नॉन टैक्सेस रेवेन्यू है, वो गवर्नमेंट के पास में इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए, जिसके वजह से जो ये टारगेट था अपना वो इतना ज्यादा अचीव होता हुआ नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे पूरी की पूरी बातचीत करी गई है। तो एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपना जो टारगेट था वो 3.3 था फिस्कल डेफिसिट का 2019 का, और उससे पहले कितना था, 3.5 था हमारा एक्चुअली के अंदर फिस्कल डेफिसिट। तो ये आपको पता होना चाहिए। जीएसटी से भी कनेक्शन हुए लेकिन इतने ज्यादा नहीं हुए, क्योंकि आपको पता है पहली बार जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो काफी सारे स्टेट को नुकसान हुआ, तो वो पैसा भी देना पड़ा उनको। इसके अलावा ई वे बिल जो है उससे गवर्नमेंट को काफी मदद मिली है जीएसटी कलेक्शन के अंदर। इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन जो है वो भी थोड़े से इंप्रूव तो हुए हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं हुए कि जो फाइनेंशियल डेफिसिट है वो इतना कम हो जाए। आप ये ग्राफ देख सकते हैं फिस्कल डेफिसिट के, किस तरीके से 2008 के बाद से 2018 के बीच में जो है ना वो घाटा, सरकारी घाटा जो है वो बढ़ता घटता रहा है। आप देख सकते हैं 2009 के अंदर 6.5% चला गया था, फिर 4.8 आ गया, फिर 5.8 चला गया, फिर देखिए नीचे आते आते दो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही, और पिछले साल जीएसटी और साथ में फिर डीमोनेटाइजेशन करने के बाद में 3.5% पहुंच गया था, और अभी का जो टारगेट था वो 3.3 था, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इस बार अचीव करना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डाटा है जो कि आपके सामने है, उम्मीद है कि आप FY19 क्या होता है, स्वाति जी पूछ रही है, FY19 होता है फाइनेंशियल ईयर 2019, यानी कि 2018 की जो परफॉर्मेंस है वो अपने 2019 के तौर पे देखी जाती है, क्योंकि मार्च अपना क्लोजिंग मानते ना वो। हाँ पवन जी बोल रहे हैं देयर विल बी 100% टैक्स पे, डेफिनेटली इट विल रिड्यूस। अगर 100% टैक्स हो जाए तो फिर बात ही क्या है यार, अपने आप में यही तो प्रॉब्लम है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है और अपने यहाँ टैक्स पेयर्स बहुत कम है। हालांकि जीएसटी के इंप्लीमेंट होने के बाद में काफी लोगों में इंप्रूव हुए हैं, लोग अपनी आरटीआई जो है वो भी आरटीआई जो है ठीक है जो आईटीआर जो है वो भी फिल करने लगे हैं। इसके अंदर भी काफी जंप मिला है, आईटीआर जो अपनी है ना रिटर्न जो फाइल करते हैं उसमें बहुत जंप मिला है। टैक्सेस जो होते हैं ना अपने ठीक है डायरेक्ट टैक्सेस, उनके अंदर भी काफी जंप मिला है, लोग डायरेक्ट टैक्सेस थोड़ा ज्यादा पे करने लग गए थोड़ा जीएसटी आने के बाद में। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें बाकी देशों से डेवलपिंग, तो वहां तो बहुत ही फर्क है। अपने यहाँ तो कुछ एक 2-4-5 करोड़ लोग हैं जो कि टैक्स पे करते हैं, ठीक है, और वो भी 121 करोड़ की जनसंख्या में से। यूएस की बात करोगे तो 15-20 करोड़ के अंदर से आधी से ज्यादा पॉपुलेशन है जो कि टैक्स पे करती है, उनका बस नहीं चले वरना वो बच्चों के ऊपर भी टैक्स लगा दे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें तो पेज नंबर 18 की बात करते हैं, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट है। और मतलब यूएस के अंदर तो ऐसा होता है कि जो टैक्स है ना वो लोग उनका स्ट्रिक्ट पैमाना ये है कि जब तक आप टैक्स नहीं दोगे जब तक आपको उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, और ये बात सच भी है। लेकिन डेवलपिंग देशों के अंदर ये प्रॉब्लम है, लोगों को समझ में नहीं आती कि जो आप देते हो टैक्स उसी से ही देश चलता है, तो एक बार वो देना चाहिए, मतलब वो बनता है देना, है ना। तो यहाँ पे नासा की बात करते हैं, नासा का एक बहुत ही ऑलमोस्ट $1 बिलियन का जो मिशन है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है, तो इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। इसके अलावा फिल्म मेकर जो है बर्नांडो, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और यहाँ पे सलीम खान जी की भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली क्या हुआ है आपको पता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ होता है, गोवा के अंदर होता है हर साल, आपको पता ही है। और हाँ अनुज जी बोल रहे हैं कि हम ना टैक्स देंगे मूर्तियां बनाने में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। देखिए अनुज जी जो भी है, लेकिन फिर भी अपना फर्ज बनता है एज ए सिटीजन कि अपन जो अपना टैक्स जो अपनी जो कर्तव्य है वो तो आप पूरा करेगा, एटलीस्ट ये ना सोचे कि आगे जाके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो कह रहा उसका तो अपन क्या कर सकते हैं, लेकिन जो भी है, लेकिन प्राइम मोटिव ये होना चाहिए कि जो आपका कर्तव्य है वो आप पूरा करें अच्छे तरीके से। तो जो टैक्सेस है वो देना बनता है यार, टैक्सेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान आपको बताइए काफी बड़े स्क्रिप्ट राइटर है, उनको ऑनर किया गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंदर। लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उन्होंने जो सिनेमा को दिया है इसकी वजह से उनको ये अवार्ड जो है स्पेशल अवार्ड जो है वो उनको दिया जा रहा है IFFI के अंदर। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा बात करते हैं अपन, नासा के जो टॉप साइंटिस्ट थे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे
वो पूरी रात सोए नहीं, काफी प्रॉब्लम्स रही क्योंकि उनको एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था। ऑलमोस्ट 993 मिलियन डॉलर, यानी कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन ही मान लो यार, 1 बिलियन डॉलर का जो इनका मिशन था, ठीक है, एक बिलियन डॉलर का जो मिशन था, मार्स इनसाइट स्पेसक्राफ्ट। ये क्या है, मार्स के ऊपर इन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि उतार दिया है, ठीक है। तो इसके वजह से इनको काफी एंजाइटी थी क्योंकि बहुत महंगा और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो फाइनली इन्होंने ये काम कर दिया है। दुनिया के बहुत देशों ने कोशिश करी लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। और 2012 के अंदर भी रेड प्लैनेट के ऊपर एक क्यूरियोसिटी रोवर था जो कि लैंड कराया गया था, लेकिन वो इतनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया था। और उसके बाद में अभी जो ये इनसाइट रोवर जो भेजा गया है, ये काफी इन चीजों को इन्वेस्टिगेट कर लेगा मार्स के ऊपर, मार्स के डीप इंटीरियर के बारे में पता करेगा, इतना हार्ड क्यों है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है, ये सारे की सारी जानकारी ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो देगा। इनसाइट रोवर इसका नाम है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा फेमस प्रोजेक्ट है, बहुत देशों ने कोशिश करी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फाइनली जो है वो नासा ने यहाँ पे कर दिखाया। 43 अटेम्प्ट्स इनको लगे इस चीज को पूरा करने में, कई बार प्रॉब्लम्स आए लेकिन फाइनली इन्होंने कर दिखाया। और इनका मिशन क्या है, 2030 तक जो है ना ह्यूमन एक्सप्लोरर भेजने का, 2030 में इनका मिशन है ह्यूमन जो है वो भेजने का मार्स के ऊपर। तो उसी को लेकर इन्होंने सबसे पहले जो यहाँ पे एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि यहाँ पे रोवर है जो कि यहाँ पे भेजा है इन्होंने, ठीक है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, इनसाइट रोवर जो है वो मार्स को लेकर है, ये बात आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करें और फिल्म मेकर बर्नांडो की बात करें। तो फिल्म मेकर इटालियन फिल्म डायरेक्टर है बर्नांडो, तो काफी फेमस मूवीज रही है, लास्ट टैंगो रही है, पेरिस और कई सारे 9 ऑस्कर्स, मतलब देख सकते हो ना आप 9 ऑस्कर्स, आज तक भारतीय एक पिक्चर को ऑस्कर नहीं मिला, यहाँ पे 9 ऑस्कर्स है। तो इनको अकेले ने इन्होंने यहाँ पे जीत के दिखाया है, तो काफी बड़े फेमस पर्सन रहे। तो इसीलिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि आप इनको याद रखें, पेपर में आ सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये तो हमने मैंने सुबह के वाले वीडियो में डिस्कशन किया ही था कि सस्टेनेबल सिटीज 2025 की जो कॉन्फ्रेंस है वो कहां पे हो रही है, ग्रेटर नोएडा के अंदर हो रही है। यूएन ने सेलेक्ट किया है नोएडा को, ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज 2025। तो 2025 तक जो सिटीज है वो सस्टेनेबल हो, इसको लेकर बात करिए। आपको पता है यूएन के सस्टेनेबल गोल्स भी है, 17 सस्टेनेबल गोल्स है जिनको अचीव करने की पूरी कोशिश करी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड सिटीज डे कब आता है, 31 अक्टूबर को आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे की तरफ, शहीद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप की बात करते हैं दोस्तों। तो शहीद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप की बात करें तो यहाँ पे समीर वर्मा ने, ये चैंपियनशिप बैडमिंटन की होती है, वो जीत लिया अगेंस्ट द चाइनीज प्लेयर, ठीक है। और फॉर्मर चैंपियन साइना नेहवाल जो है वो फाइनल में हार गई और सिल्वर मेडल उनको मिला है, बाकी समीर वर्मा ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है, ये मैंने आपको बताई दिया। IFFI के अंदर स्पेशल अवार्ड जो है वो सलीम खान जी को मिल रहा है। और एस्प्रिन पेपर इस 49 फिल्म फेयर की बात करें, फिल्म फेयर क्या, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो एस्प्रिन पेपर जो है वो यहाँ पे ओपनिंग फिल्म होगी, सील्ड लिप्स जो है वो क्लोजिंग मूवी होगी, इसराइल फोकस कंट्री है और झारखंड क्या है, फोकस स्टेट है इस फिल्म फेस्टिवल के अंदर। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ में जेएनके गवर्नर ने इनॉग्रेट किया झिरी मेला। अब ये झिरी मेला कहाँ का फेस्टिवल है दोस्तों, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफी फेमस है ये फेस्टिवल और एनुअली फेयर है जो कि यहाँ पे मनाया जाता है, सालाना मेला लगाया जाता है, बाबा जट्टू है उनकी शहीद की याद में इसको मनाया जाता है। कई सारे किसान हैं और जिन्होंने काफी इसके अंदर भूमिका निभाई है, 500 साल पहले उन्होंने काफी काम किए थे किसानों को लेकर, तो इसको लेकर यहाँ पे याद किया जाता है और उन्होंने इस फेस्टिवल को अनाउंस किया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ का है, ये अपने जम्मू एंड कश्मीर का है। अब चलते हैं अपन दोस्तों स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की तरफ, आज बात करेंगे अपन नागालैंड की, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश अपन बात कर चुके हैं, आसाम की बात कर चुके हैं, सिक्किम की बात कर चुके हैं, आज अपन आते हैं नागालैंड के ऊपर। अब नागालैंड आप देख सकते हो अरुणाचल, आसाम, मणिपुर, म्यांमार, इन चारों जगहों से घिरा हुआ है। और इसके अलावा नागालैंड की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे ईस्टर्न स्टेट है और कैपिटल कोहिमा है, चीफ मिनिस्टर नेफू राव है, गवर्नर पद्मनाभा आचार्य जी हैं अभी यहाँ पे। इसके अलावा लैंग्वेजेस बहुत सारी बोली जाती है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉर्डर मैंने आपको बताई दी है कौन कौन से अटैच होते हैं, अरुणाचल, आसाम हो गया, बर्मा हो गया, मणिपुर हो गया, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 11 है, दीमापुर एयरपोर्ट है यहाँ पे, लोकल एयरपोर्ट है, ज्यादातर जो है वो एयरफोर्स और अपने बाकी आर्मी वाले काम में लेते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक आप आसाम से अगर आपको नागालैंड जाना है तो आप ले सकते हो फ्लाइट, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बात करें फेस्टिवल्स की, तो यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल,
टुलुरी फेस्टिवल पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाजू फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल पार्क की बात करें तो यहां पे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों चारों ही इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ के जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों फन फैक्ट विद वाईफाई स्टडी की। तो दोस्तों क्या आपको लगता है आप रिजोल्यूशन लेते हो? आप कई बार होता है ना कि आप नए नए जब भी कोई भी काम करते हो आप तो रिजोल्यूशन लेते हैं, न्यू ईयर आता है तभी भी आप सोचते हैं कि अब तो मैं पढ़ाई करूंगा, अब तो मैं ये करूंगा, अब तो मैं वो करूंगा। स्टडीज दोस्तों एक बात बताती है कि जब भी आप ये इस तरीके के रिजोल्यूशन लेते हैं कि मैं कल से जो है ये काम करूंगा, कल से वो काम करूंगा, एक साल दो साल पांच साल के लिए करूंगा, तो ये कभी भी मेजरली जो है ना लोगों के 88% लोग जो है ना इसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, रीजन क्या होता है कि इंसान इतना ज्यादा स्टबॉर्न होता है ना, इतना जिद्दी होता है अपने डेली के रूटीन को लेकर कि उसका डेली का रूटीन जो होता है वो उसको बदलना ही नहीं चाहता है। तो 88% वो लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि मैं कल से एक्सरसाइज जाना चालू करूंगा, लेकिन उसका पता है रूटीन सुबह उठने का है ही नहीं, रूटीन बनाया नहीं, तो फिर वो कल भी क्या करता है, चलो कोई बात नहीं कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे से नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे से नेक्स्ट डे ऐसा चलता रहता है, फिर बाद में पता लगता है कि वो काम पूरा ही नहीं हुआ। वही मैंने जो इनिशियली लेवल पे आपको बात बोली थी स्टार्टिंग में, डू और डू इट, ठीक है, डू और डू नॉट बट डोंट गिव ए ट्राई टू इट। ठीक है, अगर ट्राई नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार कर रहे हो तो फिर उसको करके देखो, कोई बात नहीं है, और नहीं कर रहे हो तो फिर मत ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो लॉजिक यहाँ पे सिंपल सा है, और इसलिए नहीं होता दोस्तों इसके अंदर क्योंकि लोग जो अपना रूटीन है उसको बदलना नहीं चाहते, और जो बदलना बहुत जरूरी होता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप किसी भी चीज की पार्टिसिपेंट हो, अगर आप कुछ भी तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज को लेकर, तो सबसे पहले आपका जो रूटीन होता है, जो अपना डे टू डे लाइफ का, उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो आपकी चीजें होती है ना, वो उसके अंदर आप अकॉर्डिंग टू द अपने लाइफस्टाइल के आप उसको फिट कर सकते हो। लेकिन जरूरी है कि एक जो आपका स्टबॉर्न नेचर है आपकी डेली रूटीन को, उसको छोड़ना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए यार, कि ठीक है आप 5 बजे उठना है तो ठीक है 5 बजे उठ जाएंगे, 4 बजे तो 4 बजे उठ जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए कम से कम। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको फॉलो करेंगे, और अगर आपको रिजोल्यूशन लेना है तो एटलीस्ट वीक के अंदर छोटा एक बार पहले वो बनाइए अपना टारगेट कि चलो ठीक है मेरे को 3 दिन के लिए सुबह उठना है, 3 दिन के लिए मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे 10-10 घंटे पढ़ना है। तो अगर आप 3 दिन पूरा करते हैं फिर आप 7 दिन का बनाइए, ऐसे छोटे छोटे अपने टारगेट्स लेके चलें तो आपको बड़ा टारगेट अचीव करने के अंदर काफी मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों देखते हैं आज के अपने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है समीर वर्मा जी का, जिन्होंने यहां पे चैंपियनशिप जीती है शहीद मोदी, वो कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है यहां पे क्लस्टर बसों के स्थान की तलाश करने के लिए किस सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है। नेक्स्ट है दुधवा नेशनल पार्क कौन से राज्य में लोकेटेड है। IEEE में स्पेशल अवार्ड किसको दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है कौन सा देश 2019 लॉरियस अवार्ड्स की मेजबानी करेगा। यह मैंने कुछ दिन पहले बोला ही है, पाकिस्तान में गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के लिए डेरा बाबा नानक जो करतपुर साहिब गलियारे की नींव रखी, ठीक है किसके द्वारा रखी गई है यह आपको बताना है। किस संगीत निदेशक ने उड़ीसा पुरुषों की हॉकी विश्व कप 2018 का गान बनाया है, यानी कि गाना बनाया है, एंथम बनाया है, यह आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है देश में आयोजित चीन में आयोजित भारत चीन विशेष प्रतिनिधियों की सीमा वार्ता का 2 दिवसीय 21वां दौरा कहां पे करवाया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज अपन ने डिस्कस करें। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। साथ में दोस्तों मैंने आपको बताया दिया कि 1 दिसंबर को है वाईफाई की पटना मीटअप, तो पटना के अंदर अगर आप रहते हैं या फिर आसपास रहते हैं तो वाईफाई टीम से मिल सकते हैं दोस्तों, और ये इवेंट होगा 1 दिसंबर को। जो लोकेशन है वो आपको जल्दी बता दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको एक चीज और बोली है जो कि है थर्सडे को लेकर। थर्सडे को सुबह 8 बजे जो है वो अपन द हिंदू करंट अफेयर ना करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर आपको पता है कि ऐसे टॉपिक के ऊपर बात नहीं करी जाती है, कोई भी किसी को सही चीजें जो है वो नहीं बताता है। लेकिन एज ए समझदार सिटीजन और एज ए ठीक है वाईफाई स्टडी के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या होती है, किस तरीके से देखी जाती है, हमें किसे वोट करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, क्या पैरामीटर्स के तौर पे डिसाइड करना चाहिए,
ओके okay, और यकीन मानिए इसके लिए आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी ये पता करने के लिए कि कौन सा राइट कैंडिडेट है जिसको मुझे वोट करना चाहिए। ठीक है, तो बस आप थर्सडे को सुबह 8 बजे आइएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। 5 मिनट में आप अपनी वोकैबुलरी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।